لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد شعیب ابن غلام حسین ہاشمی کی روح کو شاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین گرام قدر ماتم دارانی سید الشہداء، قرآن مجید کی یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس کا ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت کا ہر انسان ترجمہ جانتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے سے ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے، یعنی اس ایک آیت کے ذریعے ہم تمام حقوق کو سمجھ سکتے ہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم آگے بڑھیں تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سب جب سوال کیا گیا کہ مولا احسان کہتے کسے ہیں، تو امام نے کہا کہ جو پہلے کیا جائے اسے احسان کہا جاتا ہے، اور جو بعد میں کیا جائے وہ بدلہ ہوتا ہے. یقیناً ماں باپ جو بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں احسان ہوتی ہیں. ہم ان کے بدلے میں چاہے جو بھی کچھ کر لیں وہ ساری چیزیں بدلہ ہوں گی، وہ احسان نہیں ہوں گی. اس لیے کہ احسان وہ ہے جو پہلے کیا جائے. ایک بار صلوات پڑھیے. احسان وہ ہوتا ہے
कि जो पहले किया जाए बाद में जो किया जाता है वो एहसान का बदला होता है। अगर हमने माँ बाप की खिदमत की, माँ बाप की देखभाल जो की है, माँ बाप को खिलाया, माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बने, तो याद रखिए कि ये सारी चीज़ें बाप ने पहले हमारे लिए कर ली है। यानी हमें पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, ये सारी चीज़ें बाप ने हम पे एहसान की हैं। और हम जो भी करेंगे वो एहसान नहीं होगा बल्कि एहसान का बदला होगा। तो अब हम क्या करें कि हम भी ये कह सकें कि हमने माँ बाप पे एहसान किया। भाई जितनी भी चीज़ें हम करेंगे, माँ को खिलाएंगे, बाप को खिलाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, वो बीमार हो गए डॉक्टर के वहाँ लेके जाएंगे, जितनी भी सारी चीज़ें ये करेंगे, ये सारी चीज़ें वालिदैन हमारे साथ कर चुके हैं, तो ये एहसान नहीं है, ये एहसान का बदला है। तो हमें वो करना है कि जो माँ बाप ने हम पे एहसान किया है, यानी माँ बाप ने जो काम हमारे लिए नहीं किया है अब वो काम हम करेंगे तो ये एहसान होगा। माँ बाप ने हमें खिलाया, ये अब हम उनको खिला रहे हैं, ये बदला है। माँ बाप ने हमें डॉक्टरों को वहां, डॉक्टरों के वहां दिखाया, हमें पढ़ाया लिखाया, ये सब माँ बाप ने एहसान किया है। लेकिन हम जो कर रहे हैं ये बदला है। लेकिन वो काम जो माँ बाप ने नहीं किया है, अगर हम वो काम माँ बाप के लिए करें तो वो एहसान है। जैसे माँ बाप ने हमारे लिए कोई तिलावत कुरान मजीद नहीं की है, हमारे लिए कोई इशारे सवाब नहीं किया है, हमारे लिए मजलिसें नहीं की है, अब जब माँ बाप वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो अब हम जो भी कार्य खैर करेंगे ये एहसान होगा। सलवात पढ़िए बनू मोहम्मद वाले। तो अजीज आलम मोहतरम, अब माँ बाप को वालिदैन को कब जरूरत होती है? जब दुनिया से रुखसत होते हैं। जब भी वालिद, यकीनन वालिद के लिए कहा गया कि ये ऐसे सायादार दरख्त है कि जिसके छांव में जो भी रहता है वो अपने को महफूज समझता है। लेकिन दरख्त की भी एक खासियत ये होती है कि अगर उसके बराबर में अगर आप कोई दरख्त लगा दीजिए, उसके नीचे कोई दरख्त लगा दीजिए, तो वो अपने से उस को बढ़ने नहीं देगा। यानी सायादार है, बाप को भी सायादार दरख्त कहा गया तारीख की रोशनी में। लेकिन अगर आप दरख्त के नीचे दरख्त लगा दीजिए, चाहे उसमें चाहे जितना भी खाद पानी डाल दीजिए, वो अपने से बड़ा नहीं होने देगा। लेकिन जो बाप होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बन जाए। यानी हर बाप ये चाहता है। अगर मिसाल के तौर पे बाप चपरासी कहीं की सर्विस कर रहा है कहीं पे, तो वो सोचता है कि मेरा बेटा कहीं ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। यानी हमेशा वो सोचता है कि मुझसे ऊंचा मकाम इसे मिल जाए। तो बाप की अजमत है, और बाप की अजमत के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में बहुत सारी आयात के जरिए, लेकिन एक वाकया अल्लाह ने जो कुरान मजीद में बयान किया है कि बाप की अजमत क्या है। एक शख्स है जो काम करता है, तिजारत करता है, बिजनेस करता है, और बिजनेस जब कर रहा है तो साथ में बाप भी है। लेकिन एक मकाम पे बाप सो जाता है, बाप सो जाता है, थका हुआ था सो गया। देखिए अल्लाह ने इसे कुरान में जगह दी है। सो जाता है बाप, जब बाप सो जाता है तो एक ताजिर आता है, खरीदने वाला आता है, और आने के बाद कहता है कि क्या आपके पास चावल है? तो इसने कहा कि हाँ। तो कहा कि हमें इतने चावल चाहिए, इतने बोरिए चाहिए, इतने किलो चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ है मेरे पास। बहरहाल वो मामला तय करता है, और जब तय कर लेता है तो वो कहता है कि ये पैसा लो और चावल हमें दे दो। तो उसने कहा
कि नहीं आज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा कि आज मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा क्यों? कहा कि क्योंकि चावल गोदाम में रखा हुआ है। तो कहा कि गोदाम खोलो और चावल निकाल लो। कहा कि नहीं चाबी मेरे बाप के पास है। कहा कि अपने बाप से चाबी ले लो। कहा नहीं मेरे बाप की जेल में है और मेरा बाप सोया हुआ है। कहा एक मिनट के लिए उठा लो और चाबी मांग लो। कहा कि नहीं वो थक के सोए हुए हैं। कहा कि मैं उनसे नहीं ले सकता। अब उसके बाद वो ताजिर वापस चला जाता है। जब बाप की आंख खुलती है बाप बेटे से पूछता है कि क्या कोई ग्राहक आए। तो अब बेटे ने कहा कि हाँ एक शख्स आया था उसे इतने चावल चाहिए थे। तो कहा कि इतना बड़ा ताजिर था तुम्हें दे देना चाहिए। कहा कि नहीं चाबी गोदाम के आपकी जेब में थी और आप सो रहे थे। कहा कि चूंकि आप थक के सोए हुए थे इसलिए मैंने ये डील कैंसिल कर दी मगर आपको मैंने बेदार नहीं किया। अब उसके बाद बाप ने कहा कि मेरे पास एक गाय है। कहा कि एक गाय है। कहा कि ये गाय मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। कहा कि अल्लाह इस गाय के जरिए तुम्हें इतनी दौलत अता करेगा कि तुम हमेशा कामयाब रहोगे। अब उसके बाद बाप भी दुनिया से रुखसत हो जाता है। जब दुनिया से रुखसत हो जाता है देखिए ये सूरह बकरा जो नाजिल हुआ है ये इसी गाय का तस्करा और बकरा जो है गाय को कहते हैं। अब उसके बाद ये बकरा दे देता है। बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है। जब रुखसत हो जाता है अब उसके बाद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक केस पहुंचता है और वो पहुंचता है जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि एक इंसान का कत्ल हो जाता है और उसके बाद जिसका कत्ल हुआ है उसका चचाजात भाई एक है। जो भाई है वो चीख रहा है चिल्ला रहा है कि मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया है। हमें वो कातिल चाहिए हमें खूनबहा चाहिए हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। अब उसके बाद बनी इसराइल के लोग ये परेशान है कि हमारे मोहल्ले में कत्ल हो गया है बदनामी हमारी हो रही है। ये जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है कातिल पकड़ लिया जाएगा। कहा कातिल पकड़ लिया जाएगा। कहा कि अल्लाह ने कहा है कि एक गाय खरीद के लाओ। अब इन लोगों ने पूछा कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से पूछ के बताता हूं। अल्लाह ने गाय बताई कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा। फिर इन लोगों ने पूछा कि वो गाय छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से पूछ के बताता हूं। गरज ये कि जब भी जनाबे मूसा बताते रहे ये पूछते रहे किस कलर की कितनी बड़ी कैसी होनी चाहिए और जनाबे मूसा अल्लाह से पूछ पूछ के बताते रहे कि न पीली हो न काली हो। कहा न छोटी हो न बड़ी हो। कहा कि इस तरीके से सारी किस्में ये बताते रहे। अब ये बनी इसराइल के लोग निकले गाय ढूंढने के लिए। देखिए अल्लाह किस तरीके से दुआ कबूल करता है। जब ये बेटे ने इन्हें उठाया नहीं तो बाप ने दुआ दी कि ये मेरा बेटा हमेशा कामयाब रहे और हमेशा इसके पास माल भी रहे दौलत भी रहे सारी दुआएं देता है। अल्लाह ने इस बाप की दुआ को कबूल करने के लिए देखने कितने लंबे मराहिल से गुजारा लेकिन दुआ बाप की रद्द नहीं हुई। क्योंकि बाप जो भी दुआ देता है बेटे के लिए अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करता है। ये गाय खरीदने के लिए देखा कि उसी नौजवान के पास वो गाय मौजूद है
जो अल्लाह ने निशानियां बताई। अब उससे पूछ रहे हैं ये गाय कितने की दोगे, तो इसने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछ के बताता हूँ। कहा माँ से पूछ के बताता हूँ। माँ ने कहा कि जाओ कहो कि 200 दिरहम की। अब उसके बाद ये आगे बनी इसराइल के लोगों से बताता है कि 200 दिरहम की वो गाय है। इन लोगों ने कहा कि भाई गाय का रेट 5 दिरहम चल रहा है, तुम 6 ले लो, तुम 200 मांग रहे हो। अब उसके बाद ये लोग वापस चले गए। जब दोबारा है कहा कि लो 200 दिरहम ले लो और गाय हमें दे दो। अब उसके बाद इसने कहा कि नहीं, मैं माँ से पूछ के आ रहा हूं। जब ये माँ से पूछने गया तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा 400 की ना, 400। अब उसके बाद ये फिर कहते हैं कि यार 200 तुम कह रहे थे। कहा वो उस वक्त की बात थी। कहा उस वक्त की बात थी। कहा कि अब 400 में है। अब उसके बाद फिर ये वापस चले गए क्योंकि 200 दिरहम लेके आए थे। जब ये वापस गए, अब उसके बाद जब वापस गए तो बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि अगर कातिल चाहिए तो भाई 400 दिरहम की गाय हमें लेना ही पड़ेगी। अब उसके बाद ये जब 400 रुपया लेके आए, फिर इससे कहा तो इसने कहा कि नहीं, अब माँ से मैं पूछ के आ रहा हूं। माँ के पास गया पूछने, माँ ने कहा कि नहीं 800 दिरहम। अब उसके बाद फिर ये वापस चले गए। बहरहाल ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहा। मजीद आप कुरान मजीद में देख सकते हैं, यह सिलसिला चलता रहा यहां तक के जब उन लोगों ने कहा कि भाई हमें तो ये बकरा चाहिए। कहा कि जो भी कीमत वो कहे वहीं पे दे के आओ। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं माँ से पूछ के बता रहा हूं। ये माँ के पास गया, माँ ने कहा कि ये बकरा दे दो इन्हें, लेकिन इनसे कहो कि इनकी जो खाल होगी, कहा उस खाल में सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के दे। कहा कि जितनी इसकी खाल है उस खाल में हीरे जवाहरात भर के दे। अब उसके बाद इसने कहा कि ये बकरा तो लेके जाओ, लेकिन इसके बदले हमें दौलत नहीं चाहिए। कहा इसी खाल में सिर्फ और सिर्फ जवाहरात भर के दो। बहरहाल मामला तय हो गया, ये लेके चले गए। और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, बहुत सारे नबी गुजरे हैं, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, कुंभ इज्नल्लाह कह के, ये भी अल्लाह के नबी हैं, साहिबे किताब हैं, साहिबे शरीयत नबी हैं, साहिबे शरीयत नबी हैं। ये भी चाहते तो जिंदा कर देते, मगर इतने मराहिल से गुजारा क्यों? इसलिए कि एक बाप की दुआ थी, बाकी दो बाप की दुआ को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने इतने मराहिल से गुजारा। वरना जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे शरीयत नबी है, साहिबे किताब नबी है, वो चाहते जो मुर्दे को जिंदा कर देते, मगर अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा इस बकरे के गोश्त को इसके सीने पे मारो। जैसे ही मारा वो मुर्दा जिंदा हो गया। अब अजीजा ने मोहतरम, जब एक बकरे के टुकड़े के जरिए जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम एक गाय के टुकड़े के जरिए जनाबे एक गाय के जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम एक गाय के टुकड़े के जरिए मुर्दे को जिंदा किया। जमाना ये देख रहा है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने उस टुकड़े के जरिए जिंदा किया। जमाने को एतराज नहीं हो रहा है, जबकि अल्लाह ने जिसे नफ्सुल्लाह कहा, यदुल्लाह कहा, ऐनुल्लाह कहा, वसीउल्लाह कहा, जिसे अल्लाह ने इतने फजाइल और कमालात देकर
इस कायनात में भेजे हैं, अगर वो ठोकर मार के मुर्दे को जिंदा कर दे तो जमाने को हैरत नहीं करना चाहिए। नारे चलवा पड़िए तो जमाने को हैरत नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के दे दिया और बताना क्या था, जैसे ही जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने उस टुकड़े से मारा वो मुर्दा जिंदा हो गया, और जब जिंदा हुआ तो उसने कहा कि यही जो शोर मचा रहा है, ये जो मेरा चचाजात भाई है, कहा कि इसी ने कत्ल किया है और सबसे ज्यादा शोर यही मचा रहा है। तो अल्लाह ने बाप की दुआ को कबूल करने के लिए इतने मराहिल से गुजारा, इतने मराहिल से गुजारा, लेकिन अल्लाह कभी भी बाप की दुआ को रद्द नहीं करता है। यह अलग बात है कि उस दुआ के कबूलियत होने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन बाप की दुआ जो बेटे के लिए होती है वो जरूर कबूल होती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने बाप की अजमत और कुरान मजीद में बहुत सारे मकाम पे वालिदैन के लिए आयत नाजिल हुई है कि हमें माँ बाप की खिदमत करनी है, इसलिए कि उन्होंने हमें इस मकाम तक पहुंचाया है कि जब हमें बोलना नहीं आ रहा था, जब हमें चलना नहीं आता था, जब हमें कुछ भी हम किसी लायक नहीं थे, तो माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया, तरबियत की, यहां तक पहुंचाया। ये सारी चीजें बाप पे एहसान है, और बाप ऐसा सायादार दरख्त है कि जब तक उसका साया बरकरार रहता है, यानी खुद धूप में रहता है मगर अपने बच्चों को साये में हमेशा रखता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमेशा साए में रखता है, तो बाप की बड़ी अजमत है। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी ने उसके जरिए से कातिल का पता लगाया, लेकिन जब मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पास आइए, बहुत सारे इस तरीके के मामला आए कि जहां हुकूमतें परेशान थी कि इसका जवाब क्या हो सकता है। जैसे एक गुलाम था और एक मालिक का लड़का था, दोनों सफर में गए और दोनों में किसी बात पे इख्तलाफ हो गया। जब इख्तलाफ हुआ तो उसमें हुआ ये कि गुलाम जो कह रहा है वो कह रहा है कि मैं मालिक हूं, और जो मालिक है वो कह रहा है मैं मालिक हूं। ये कजिया दरबार में पहुंचा, जब दरबार में पहुंचा तो अब दोनों मालिक कह रहे हैं, जबकि एक गुलाम है एक मालिक ज्यादा है, लेकिन यह मामला हल नहीं हो पा रहा था। दरबार में इनसे पूछा गया मगर मामला हल नहीं हो पा रहा था। मौलाए कायनात के पास पहुंचा, जैसे ही मौलाए कायनात के पास पहुंचा, मौलाए कायनात ने कहा कंबल दीवार में दो सुराख करो, कहा दो सुराख करो, दीवार में दो सुराख किए गए। मौलाए कायनात ने कहा दोनों के सर दीवार में डाल दिए जाए, दोनों के सर दीवार में डाल दिए गए। अब मौलाए कायनात बात कर रहे हैं, बात करते करते कहते हैं कंबर तलवार उठाओ, गुलाम का सर कलम कर दो। जैसे ही मौलाए कायनात ने कहा, गुलाम ने फौरन सर निकाल दिया, गुलाम ने फौरन सर निकाल दिया, और जो मालिक था, मालिक ज्यादा था, वो दीवार में सर रखे हुए था। मौलाए कायनात ने जमाने को बताया कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हारी कोई भी मुश्किल आए मेरे पास चले आना। दरवाजा करिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौलाए कायनात ने जैसे जैसे अपनी जिंदगी में फैसले किए हैं, याद रखिए कि तारीख आज तक उनके फैसले को फरामोश नहीं कर सकी है।
इसलिए कि आज भी जमाना जब उनके फैसलों को पढ़ता है तो वो मजबूर हो जाता है कि 1400 साल पहले मौला कायनात ने जो चीजें कही हैं, जो भी फैसले किए हैं, आज तक उस पर रिसर्च जो होता है, और जमाना एक भी ये सोचता है, जैसे मौला कायनात से पूछा गया था कि मौला ये बताइए कि कौन सी चीज है, कौन से जानवर है, कौन से परिंदे हैं जो अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं। मौला कायनात ने 1400 साल पहले जो जवाब दिया था, आज तक किसी जमाने में इतनी जुरात नहीं हुई है या कोई ढूंढ सके कि कोई ऐसा परिंदा, ऐसा जानवर हो कि जो मौला कायनात ने कहा उसके खिलाफ निकल जाए। आप समझ रहे कि आज का जमाना इतना एडवांस है, ये डिस्कवरी और दुनिया भर की सारी चीजें चल रही हैं और नई नई चीजें ढूंढी जा रही हैं। याद रखिए, ये भी बात आ गई तो कहता हुआ आगे बढ़ूं कि ये जो डिस्कवरी वगैरह चैनल वगैरह चल रहे हैं, ये जो हम ये समझते हैं कि ये हमारे मनोरंजन के लिए, ये सारी चीजें हैं, याद रखिए कि ये हमारे मनोरंजन के लिए चीजें नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि इस पूरी टीम में जो काम करने वाले हैं वो सारे यहूदी हैं, सारे यहूदी हैं। और ये यहूदी पूरी दुनिया में क्यों जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये ताबूते सकीना को ढूंढ रहे हैं। ताबूते सकीना क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में जब ये ताबूते सकीना आया था तो उस वक्त बनी इसराइल की पूरी दुनिया में हुकूमत हो गई थी, इसलिए ये ताबूते सकीना ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते उनकी मुसलसल ये कोशिश है, और जब ढूंढ रहे हैं तो वो वीडियो बना के डाल रहे हैं। इस जमाने में बेहतरीन ये आमदनी का जरिया भी बना हुआ है, लेकिन ये याद रखिए कि ये ताबूते सकीना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि जिन्हें ताबूते सकीना मिल जाएगा उनकी पूरी दुनिया में हुकूमत होगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कुरान में जिसका तस्करा मौजूद है कि ताबूते सकीना जिसको मिलेगा उसकी पूरी दुनिया में हुकूमत होगी, तो ये उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं ढूंढ रही है, वजह क्या है, या किसी आलिम दीन ने क्यों नहीं कहा कि आप भी ताबूते सकीना ढूंढिए, आप भी ढूंढिए। इसलिए कि अल्लाह ने इसकी निशानियां बयान की है कि यह ताबूते सकीना उनको मिलेगा जो वारिस अंबिया होंगे, जो वारिस अंबिया होंगे। तो अब अजीजान मोहतरम, उन्हें वारिस ढूंढने की जरूरत है, हमारा वारिस फरज़ ऐन में मौजूद है, जब वो आएगा तो ताबूते सकीना खुद इमाम के पास पहुंच जाएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अजीजान मोहतरम, ये सारी चीजें हैं। अब ये ताबूते सकीना क्या है, ताबूते सकीना ये वही है कि जिसमें जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को रख के जनाबे मूसा की मां ने दरियाए नील के हवाले किया था, इसकी इतनी अजमत बयान की गई ताबूते सकीना की। और अल्लाह ने कहा कि जब तक तुम इसका एहतराम करोगे, बिल्कुल मुख्तसर करते हुए कि जब तक तुम इसका एहतराम करोगे काली तब तक तुम कामयाब रहोगे। जब तक उसका एहतराम होता रहा तब तक बनी इसराइल पूरी दुनिया में छाए रहे, और जहां पे एहतराम छोड़ दिया वहां से बनी इसराइल खत्म हो गए। तो अल्लाह ने एक पैमाना हमें बता दिया कि जब तक नबी और आले नबी से मंसूब चीजों का एहतराम होता रहेगा तब तक आप पूरी दुनिया में बने रहेंगे। तो अब अजीजान मोहतरम, आप ये बात जान लीजिए, समझ लीजिए कि हम दुनिया में क्यों उभर रहे हैं, दुनिया में क्यों छा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में हमारी ही बात क्यों हो रही है,
इसलिए हो रही है कि हम दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए कि आज पूरी दुनिया में हानि है जो नबी और आले नबी से मंसूब चीजों का एहतराम करते हैं। ताजिया मंसूब है आले नबी से हम एहतराम करते हैं, अलम मंसूब है आले नबी से हम एहतराम करते हैं। याद रखिए, जब तक हम इन तबर्रुकात का एहतराम करते रहेंगे जमाने में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहां एहतराम करना छोड़ देंगे पस्ती की तरफ आ जाएंगे। सलावत पढ़िए। तो अजीज आलम खुतबा, ये सारी चीजें हमें कर्बला से मिली हैं, और कर्बला एक ऐसी दर्शगाह है कि जब भी हम पे कोई गम आता है तो हम अपने गम को भूल जाते हैं और कर्बला के गम को याद करते हैं। इसलिए कि हमारा गम कुछ भी नहीं है कर्बला के गम के मुकाबले में। याद रखिए कि कर्बला ना होती तो ये गम हमारे लिए बहुत बड़ा होता। जब एक भाई भाई से रुखसत होता है तो क्या कैफियत होती है। खुद इमाम मसलूम बयान करते हैं कि जब मौला अब्बास घोड़े से जमीन पे आए हैं, जब इमाम को आवाज दी है तो इमाम अपने हाथों को कमर पे रख के कहते हैं, याखी अलाना इंकसरा जहरी, भाई तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई है। तो जब भाई दुनिया से रुखसत होता है तो भाई की कमर टूट जाती है। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मसलूम है कर्बला के। अजीज आलम मोहतरम, ये दुनिया से रुखसत हुए मोमिन थे, मर्द मोमिन थे, जाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, ये दुनिया से रुखसत हुए हैं। जैसे ही दुनिया से रुखसत हुए, जिन लोगों को मालूम हुआ वो फौरन घर पहुंचे हैं, ताजियत दे रहे हैं, बच्चों को गले लगा रहे हैं, पुरुषा पेश कर रहे हैं। मगर कर्बला के मैदान में आइए, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को कोई पुरुषा नहीं पेश कर रहा है, बल्कि जो आ रहा है सैयद सज्जाद के नीचे से बिस्तर खींच रहा है। अल्लाह, यहाँ आपने किसी को कि हर एक ने दिलासा दिया है, हर एक ने तसल्ली दी है, हर एक ने समझाया है कि जो शय दुनिया में आई है उसे फना होना है, यानी हर एक चीज का वक्त मुअय्यन है। वक्त हो जाने के बाद वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। मगर कर्बला के मैदान में आइए, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है, इसलिए कि सकीना इंतजार कर रही है कि मेरा बाबा शहीद हो गया है, मगर कोई तसल्ली देने वाला नहीं। जो आ रहा है तमाचे मार रहा है, जो आ रहा है बुंदे छीन रहा है, जो आ रहा है खयाम हुसैनी में आग लगा रहा है। अजब कुमल अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मसरूम है कर्बला के। बड़ी शान से ये जनाजा निकला है और मोमिनीन के कांधों पे चला है, मगर आप मदीने में आइए, एक जनाजा ऐसा था जो बड़ी शान से घर से निकला था, मगर जनाजे पे तीर बरसाए गए। इसलिए हमारे बैत का तस्करा करते हैं, ये हमारा गम कोई गम नहीं है। अहले बैत पे जितने जुल्म ढाए गए, कहीं जनाजे पे तीर चलाए गए, कहीं कर्बला के दश्त में इमाम मजलूम का जनाजा बेगौरव कफन पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला नहीं। वसे आलम लजीना जलमु अयमुनकलिबुन यनकलिब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और तीन बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मोहम्मद शुएब इब्न गुलाम हुसैन हाशमी की रूह को शामिल